जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है 10 मिनट स्टार्ट करने में, तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जी हाँ, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अगर आवाज आप लोग के पास जा रही है तो बताइएगा। क्वेश्चन स्वागत में कौन सा संधि का नाम है? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो जल्दी से दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि आपका स्वागत में जो प्रयुक्त संधि का नाम है वह है यन संधि, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है? जी हाँ, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है स्वर संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रुति सिन्हा जी हैं वह बताए हैं क्वेश्चन नंबर 121 का बी। ठीक है, अब इसका बताइएगा, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है कौन सा संधि है? तो वह हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है उसको देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 123 हो जाएगा। निम्न निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? जी हाँ, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो बताइएगा आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इसका सही आपको संधि चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रजनीश, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए होगा जो बिल्कुल सही होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 124। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा जो आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा, आपके पास चार ऑप्शन है, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ अपकार है और यहाँ देखिए प्रति जोड़ उपकार है। तो ये चार ऑप्शन है, इसका सही संधि क्या होगा तो आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं, तो जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 124 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सही बी, यानी कि प्रति जोड़ उपकार होगा प्रत्युपकार। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग जाने पहचाने क्वेश्चन लग रहा है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा गायक का सही संधि विच्छेद है कौन सा है? ऑप्शन आपके पास चार अवेलेबल है। तो राहुल कुमार आए हैं, गुड इवनिंग, सभी को शेयर कर दें। राहुल जी जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सबको एक बार शेयर कर दें, बाकी बच्चे को भी बता दें, क्योंकि यहाँ पर जो आपका थोड़ी सी लेट हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा गायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए होगा, गय जोड़ अक गायक होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 126 है उसको देखेंगे। ठीक है, VIP किंग है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, याद रखिएगा कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताना है। राहुल कुमार, ज्योति कुमारी 126 का डी बता रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, अभी जोर शेक लिखा हुआ है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कि जितने भी बच्चे हैं सब कोई बताइएगा कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिषेक का संधि विच्छेद According to test book, Abhisika ka sandhi vicheda, abhi plus seka hoga.
तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए। याद रखना है अभिजोड़ सेक, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी आंसर देंगे। तो अगला प्रश्न 127 नंबर है, उसको बताइएगा कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जी हाँ, बताइएगा यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सा है जो आपको बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ऑप्शन ए है अयादि संधि, बी है यन संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है गुण संधि। तो 127 का ऑप्शन राहुल जी बता रहे हैं सी, और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइएगा यद्यपि में कौन सा संधि लगा हुआ है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए श्रुति सिन्हा 127 का सी बताएं, ज्योति कुमारी 127 का ए बता रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई करिएगा ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन समाप्त कर सकें। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। जी हाँ, याद रखिएगा निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है, जल्दी से बताना है दोस्तों। यहाँ देखिए ऑप्शन ए आपका दिया गया है बागजाल, बी है महोदिति और सी है अधोम सुख और डी है सज्जन। तो इसमें कौन सा है जो आपको स्वर संधि से बना है, जल्दी से बताना है। 128 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है दोस्तों। राहुल कुमार 128 का सी बताएं, ज्योति कुमारी 128 का डी बता रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइएगा। तो इसमें आपको सही संधि विच्छेद होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, महोदधि। याद रखिएगा महोदधि जो आपका है वह आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 29, 129 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 129 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि पवित्र की सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, पवित्र की सही संधि विच्छेद कौन सा है, याद रखना है जल्दी से बताना है। अभी कुमार सानी 128 का सी बताएं। चलिए 129 का प्रश्न नंबर आपका है, जल्दी से बताना है इसका पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर आपको देना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। श्रुति सिन्हा जो है 129 का सी बता दिए हैं, दुर्गा जी सी बताए हैं, 29 का भी बताए हैं ज्योति कुमारी, रिया कुमारी सी बता रहे हैं, दुर्गा यादव जी हैं सी बता रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर कर दें बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। ब्यूटी कुमारी आ गए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पोजोड़ इत्र। याद रखिएगा पवित्र होता है पोजोड़ इत्र बराबर पवित्र होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 130 है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद करना है, आप लोग जानते हैं इसका आंसर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं। तो जितने भी बच्चे जानते हैं जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर आपको क्या है। तो ऑप्शन ए है मना जोड़ आयोग, बी है मनह जोड़ योग, सी है मनोह जोड़ योग और डी है इनमें से कोई नहीं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा जी मनह जोड़ योग, ऑप्शन बी होगा। 130 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। राहुल कुमार का बी था, श्रुति सिन्हा के बी है। चलिए प्रियंका जी आगे हैं, बहुत बढ़िया, सबको एक बार शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, 131वां प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये सब जो क्वेश्चन है आपको पक्का है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो याद रखना है दोस्तों, चाहे वह क्लास 10th हो चाहे 12th हो या तो कोई SSC की तैयारी करते हैं GD का, तो उनका भी क्वेश्चन यह आ सकता है, याद रखना है, क्योंकि GD में भी आपको 20 क्वेश्चन हिंदी का आता है।
है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं। हम लोग ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ में आपको 60 क्वेश्चन व्याकरण से आते हैं, याद रखना है। और बात करें तो टेंथ में भी आपको कहा है तो 40 प्रश्न आपको व्याकरण से ही आएंगे, तो याद रखना है दोस्तों। जल्दी से आप लोग इसको देखिए और रटिए और समझिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं प्रति जोड़ एक होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, सही बताना है आपको कि गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी कि क्या होगा, तो जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए आपका गिरी जोड़ इस है, गिर जोड़ इस है, गिर जोड़ इस है, और डी में है गिर जोड़ इस है, जल्दी से बताना है। तो यहाँ देखिए 132 नंबर प्रश्न का आंसर देना है श्रुति सिन्हा जी। तो यहाँ देखिए प्रियंका कुमारी का 100 का है, तो 32 का डी बता रहे हैं, ब्यूटी कुमारी डी बता रहे हैं, अभी कुमार सानी जो है वो वह भी आपका कहा है डी बताए हैं, ज्योति कुमारी ए बता रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताए ग्रीस का सही आंसर क्या होगा, तो गिरी जोड़ इस होता है, यहाँ हर्षय और दीर्घय मिलता है तो दीर्घय में बदल जाता है, इसलिए आपको क्या होता है गिरीश होता है दोस्तों, याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है, क्योंकि हर्षय और दीर्घ ही मिलेगा तो क्या बनेगा दीर्घ ही बनेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 133 है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। जी हाँ, याद रखिएगा नायक कौन सा संधि मिल करके बना है, जल्दी से आपको बताना है कि नायक जो आपका संधि है वह कौन सा संधि मिल करके बना है, याद रखना है दोस्तों। तो यह जो संधि है वह है आया आदि संधि मिलकर के बना है। आज क्वेश्चन मैं फास्ट कराऊंगा क्योंकि आपका जो टाइम है बर्बाद नहीं करेंगे, आपका कमेंट के चक्कर में आपका क्या हो जाता है थोड़ी सी टाइम लग जाती है, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं, उनको पता चले। तो यहाँ देखिए आपको नायक का सही जो आपका सही संधि होगा वह अयादि संधि होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा तो सी हो जाएगा जी। चलिए अगला बात है, अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चंद्रोदय, जी हाँ, चंद्रोदय का सही संधि क्या होगा, जल्दी से बताना है कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताएंगे कि इसका सही संधि क्या होगा, चंद्रोदय में कौन सा संधि लगा हुआ है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई क्या कर दे तो जल्दी से शेयर भी कर दें और जल्दी से आंसर भी करें, क्योंकि आपको आंसर का वेट मेरा है, याद रखना है। जल्दी से आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई आंसर करेंगे। चलिए तो चंद्रोदय में कौन सा संधि लगा हुआ है आप लोग को बताना है। चलिए आप लोगों देख लिए हैं तो बता सकते हैं जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें। चलिए बहुत बढ़िया, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देखेंगे। तो चंद्रोदय में जो आपका लगा हुआ है, एक बार मैं भी देख लेता हूं, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा जो आप लोग दीजिए जल्दी से कमेंट से, थोड़ा सा मैं भी शेयर कर दे रहा था, ठीक ना। अब जो भी हो अब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे। चंद्रोदय में जो है वह गुण संधि लगेगा भाई लोग। चलिए अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं जल्दी से फटाक से। तो चंद्रोदय में गुण संधि होगा, चलिए ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 135 है, यशोधा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। जल्दी से बताना है दोस्तों कि यशोधा में कौन सा संधि होगा, जल्दी से बताना है जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो यशोधा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ऑप्शन है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है स्वर संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो यशोधा जो बना है वह विसर्ग संधि से बना है, याद रखना है ऑप्शन आपका ए होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 136 है कि निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा जो शब्द है वह संधि की दृष्टि से गलत है, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है। तथापि, तथाकार या तदोपरांत या तैथव, जल्दी से आपको बताना है इसमें कौन सा है जो संधि से अशुद्ध नजर आता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तदोपरांत जो आपका है, या संधि के दृष्टिकोण से आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 137 नंबर जो प्रश्न है उसको देखेंगे। 137 नंबर प्रश्न है, अभ्युदय अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है अयादि संधि, बी है यन संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है गुण संधि। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको जल्दी से शेयर कर देंगे और जल्दी जल्दी आंसर डालेंगे, क्योंकि आपका टाइम खत्म ना हो और क्वेश्चन ज्यादा हो सके। तो यहाँ देखिएगा अभ्युदय में कौन सा शब्द जो है, कौन सा संधि लगा हुआ है, तो यह इसमें आपका यन संधि लगा हुआ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 138 है, इसका आंसर आपको सभी को बताना पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको इसका आंसर डालेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जितने भी बच्चे दे रहे हैं फटाफट का आप लोग आंसर डालिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2 भेद, ऑप्शन बी है 4 भेद, ऑप्शन सी है 5 भेद और ऑप्शन डी है 7 भेद। जल्दी से बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जितने भी दोस्त देख रहे हैं जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे और जल्दी से आंसर डालेंगे। इसका सही आंसर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। याद रखना है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए श्रुति सिन्हा 138 का सी सही आंसर था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ, याद रखना है स्वर संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, पहला ऑप्शन है दिगंबर, बी है रत्नाकर, सी है दुष्कर्म और डी है बागीश। तो जल्दी से बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा बाघ जोड़ इस होता है, यहाँ पर रत्नाकार होता है, रत्न जोड़ आकार होता है ना, तो याद रखना है स्वर संधि का जो आपका कौन सा उदाहरण है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, रत्नाकार होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। जी हाँ, व्यर्थ शब्द में किन दो वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन ए में है हर्षई प्लस हर्षव, ऑप्शन बी में है हर्षई प्लस ए और ऑप्शन सी है दीर्घई प्लस ए और ऑप्शन डी है हर्षई प्लस अ। व्यर्थ में कौन सा संधि आपका हुआ है, जल्दी से बताइएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हर्षई प्लस अ बराबर आपको होता है व्यर्थ का। जो आपको सही संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये आपको निकलेगा, ऑप्शन डी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया श्रुति सिन्हा। अगला प्रश्न है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो घोड़ा जोड़ दौड़ हो जाएगा घुड़दौड़। याद रखना है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखना है दोस्तों, 141 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग को जल्दी जल्दी कराते हैं क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। तो महोदय का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है। तो महाजोड़ उदय हो जाएगा, महोदय हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी होगा जी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखें।
43 नंबर प्रश्न है कि तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, तन्मय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तन्मय का होता है तत् जोड़ मय, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा 144 के उद्धरण का सही संधि क्या होगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। अगर हिंदी जानते हैं तो आप लोग आंसर करेंगे। 144 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो उद्धरण का सही आंसर जो होता है आप लोग जानते हैं उत जोड़ हरण होता है, उद्धरण हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 145 है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग जानते हैं तेज जोड़ मय होता है, तेजह जोड़ मय हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका का है 146, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग को बताना है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जैसा कि आपको दुर्गा जी हैं वह बार बार गुड नाइट बोल रहे हैं, अगर आपको सोना है तो जाकर के सो जाइए, नहीं तो पार्टी मनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 146 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग डाल सकते हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। राकेश का संधि विच्छेद, चलिए अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं और फास्ट क्लास लूंगा, क्योंकि आपका वेट करना पड़ता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, देरी लग जाता है। ठीक है, राकेश का संधि विच्छेद, तो इसका सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि राका जोड़ इस हो जाएगा, राकेश होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 147 नंबर प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ देखिए आपका निरोग में कौन सा संधि है, आपका विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, या ये निम्न से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि निरोग मतलब होता है निरा जो रोग, यानी तो हो जाएगा निरोग, निरा जो रोग तो हो जाएगा निरोग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, निरोग में आपका विसर्ग संधि लगा हुआ 147 का, जिनका भी ए आंसर है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो निर्जन में कौन सा संधि लगा है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ए होगा, याद रखना है ए जो आपका होगा निर्जन में हो जाएगा, विसर्ग संधि से मिलकर के बना है। अगला प्रश्न है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होता है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, रानी हाय। चलिए आप लोग अपना आंसर करिए, बहुत बढ़िया, आप लोग का आज पहला दिन है साल का। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन आपके पास चार है, तो इसका जो सही होगा आंसर जल्दी से आप लोग बता रहे हैं या मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, निरंजन कुमार जी ठीक है, बहुत बढ़िया हाय बोल रहे हैं, आप लोग आंसर करें, आपको कमेंट देख रहे हैं ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 150 पर आ गए हम लोग। जी हाँ, चलिए श्रुति सिन्हा 149 का सी बताए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से आपको बताना है कि ब्रह्म जोड़ अस्त्र होता है, जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग सबको शेयर करें थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ देखिएगा ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म ज्वर, ब्रह्म ज्वर अस्त्र होता है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देख लेंगे। उच्छ्वास, जी हाँ उच्छ्वास का सही संधि क्या होगा, जल्दी से बताना है उच्छ्वास का सही संधि क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ श्रुति सिन्हा ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसा लग रहा है कि उनको व्याकरण आता ही नहीं है। तो जल्दी से आप लोग ज्ञानता का परिचय दे करके आंसर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट लगे और आप लोग को भी पता चले कि आप लोग कितना जानते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर बताना है, 151 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। उच्छ्वास का सही आंसर श्रुति सिन्हा का आ गया है, आपका निरंजन कुमार का भी आया है आंसर डी बता रहे हैं, श्रुति सिन्हा 151 का ए बताए हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं उत्तजोड़ श्वास होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद करना है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सही इसका उत्तर होगा। प्रत्युत्तर का सही संधि क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए जल्दी से। अभी कुमार सानी सी बताए हैं जी, चलिए आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताइए आप लोग की क्या होगा। 152 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं प्रतिजोड़ उत्तर होगा, प्रत्युत्तर होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर आपका 153 है। नमस्ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्ते का सही आपका संधि विच्छेद बताना है, तो नमः जोड़ ते याद रखना है, नमस्ते क्या होता है नमः जोड़ ते, नमस्ते याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ताकि आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं जानते, इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि आप लोग के साथ रह करके मेरा टाइम और बर्बाद हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताना है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो सम जोड़ तोष होता है, ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, तो ऑप्शन 154 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, याद रखना है 154 का डी होगा समतोष, याद रखना है समजोड़ तोष। अगला प्रश्न है उसको बता दीजिए आप लोग जानते हैं तो। चलिए श्रुति सिन्हा का 154 का डी था, बहुत बढ़िया, निरंजन कुमार का भी कहा था 100 डी था, अभी कुमार सानी का भी डी है, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उसको देखिए, उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताना है आप लोग अगर जानते हैं तो उज्जवल का सही आंसर आप लोग कर सकते हैं, उज्जवल का सही आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन है उत्त जोड़ जबल, बी है उत्त जोड़ जल, और सी है उत्त जोड़ ज्वल, और डी है उत्त जोड़ जबल। तो जल्दी से आप लोग बताइए, 155 का श्रुति सिन्हा का सबसे पहला आंसर आया है डी। चलिए और जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइएगा उज्जवल का सही संधि क्या होगा, तो उज्जवल का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा मित्रों, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे दे रहे हैं वी आई पी किंग डी बताए हैं, नो सर नीरज कुमार जी नाम है, ठीक है भाई नीरज कुमार जी ही नाम है तुम्हारा, ठीक है। अगर खाली सिर्फ जी बोलने से अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो हमें बोलने में कोई तकलीफ नहीं है निरंजन जी, ठीक है। तो अगला प्रश्न मित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन आपके चार हैं, जल्दी से बताइएगा और आपका आंसर का मुझे इंतजार है। तो विश्वामित्र का सही संधि क्या होता है, तो विश्व जोड़ अमित्र होता है, विश्वामित्र होगा, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जी हाँ संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनलवा को थोड़ा सा सब्सक्राइब करूँ ना हो। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
तो यहाँ देखिएगा आपको चार ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी से बताइएगा। श्रुति सिन्हा 157 का ए बताए हैं, बहुत बढ़िया है जी, जल्दी से बताइएगा। सम जोड़ गम है, सन जोड़ गम है, सड जोड़ गम है और सम जोड़ गम है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा। निरंजन कुमार बता रहे हैं बी, और प्रियंका कुमारी ए बताए हैं। अभी कुमार सानी जो है वह साहनी लिखे हैं या सानी लिखे हैं, ऑप्शन बी बताए हैं। ब्यूटी कुमारी ए बताए हैं, चलिए वीआईपी किंग ए बताए, श्रुति सिन्हा ए बताए, सभी का हम कमेंट पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर भी ए होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग शेर की तरह दहाड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिए। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, जल्दी से बताना है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सा है, जल्दी से बताना है, इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यन संधि। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कि आपको स्वागतम में कौन सा संधि मिलकर के बना है स्वागतम शब्द, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन फास्ट करा रहा हूं, देखिए आप लोग ज्योति कुमारी बहुत देर के बाद आए हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। प्रियंका कुमारी, श्रुति सिन्हा सी बताए हैं, तो यहाँ देखिए स्वागतम में आपको यन संधि लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, भानुदय में जो आपका कौन सा संधि लगा हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भानुदय में दीर्घ संधि लगता है, ऑप्शन आपका ए होगा, 159 का ए है, बिल्कुल सही है। श्रुति सिन्हा बता रहे हैं, अभी कुमार बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है वृद्धि संधि, बी है यन संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है गुण संधि। तो सूर्योदय में कौन सा संधि लगा हुआ है जल्दी से आपको बताना है। 160 नंबर प्रश्न का आंसर देना है अभी कुमार, तो अभी कुमार दे दिए हैं ए, 160 का सी श्रुति सिन्हा बता रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि लगता है, ऑप्शन आपका डी होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगर आवाज आप लोग का सही जा रहा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यस या नो, आवाज सही जा रही है आप लोग के पास। अगला प्रश्न है, हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी है बी, चलिए निरंजन कुमार जी बताएं यस, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए अपना आंसर दीजिएगा। और सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं, जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए हरीश चंद्र में कौन सा संधि लगा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं विसर्ग संधि लगा हुआ है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। 162 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो उच्चारण में ऑप्शन ए दिया गया है विसर्ग संधि लगता है, ऑप्शन बी है स्वर संधि और ऑप्शन सी है जाएगा, उच्चारण में कौन सा संधि लगा हुआ है आपको बताना है। तो उत्त जोड़ चारण होता है ना उच्चारण, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा व्यंजन संधि। 162 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए बहुत बढ़िया, श्रुति सिन्हा दिए आंसर। अगला प्रश्न है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग को बताना है। उल जोड़ लेख, उल्लेख, यहाँ पर देखिए आपको जल्दी से बताना है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, उल्लेख का सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, 163 नंबर प्रश्न का आंसर दिए हैं श्रुति सिन्हा डी बताए हैं, प्रियंका कुमारी डी बताए हैं, निरंजन कुमार हैं जो कॉमेडी स्टार हैं उनका आंसर बी है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी ज्योति कुमारी का भी डी है। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 164 है, अत्याचार,
अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताना है। अत्याचार का सही संधि क्या हो जाएगा, अत्याचार, जल्दी से बताना है दोस्तों। अत्याचार का सही संधि क्या होता है, अति जो आचार, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, जल्दी से बताना है। दिगंबर का सही आंसर क्या होगा, दिग जोड़ अंबर होता है, जल्दी से, दिगंबर, दिग जोड़ अंबर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए श्रुति सिन्हा का ऑप्शन ए बहुत बढ़िया, मंटू कुमार आ गए हैं, ए बताए हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़िए, जितने भी बच्चे आंसर देते हैं बहुत अच्छा लगता है, दिल से धन्यवाद उनको करना चाहते हैं। यहाँ देखे उड़यन, उड़यन में कौन सा सही संधि है, जल्दी से बताना है। उड़नयन में कौन सा सही संधि होगा, ज्योति कुमारी का भी ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 166 नंबर प्रश्न, उड़यन में कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सा सही संधि है, जल्दी से बताना है। तो उत जो डयनम, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 167 है, निर्विकार, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाना है। 167 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के। तो देखिए आपका पहला आंसर आ गया है श्रुति सिन्हा का, 167 का ए बताए हैं, कॉमेडी स्टार हैं, बी बताए हैं, ज्योति कुमारी बताए हैं ए, और भी बच्चे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन ए के साथ हम भी चलेंगे, मंटू कुमार का बी था। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, 168 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, चलिए बताइएगा जल्दी से, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो सत्याग्रह में कौन सा संधि लगा हुआ है, ऑप्शन है यन संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, ऑप्शन डी है आपका दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा सत्या जोड़ ग्रह, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 168 का ए बताए हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए ब्यूटी कुमारी, ज्योति कुमारी, मंटू कुमार, श्रुति सिन्हा, मंटू कुमार, सबका आंसर ये था, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 169 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। अगर आप में जोश, जज्बा और जुनून बचा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्रावण जो आपका है शब्द, वह जो हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा श्री जोड़ अन होता है श्रावण, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये तो, जल्दी से बताना है ऑप्शन क्या होगा, श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे, चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है इसका सही आंसर जो होगा काव्य जोड़ उर्मी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद करना है, अभी अभी हम लोग देखे हैं कि सत्याग्रह और ऑप्शन डी है सत जोड़ ग्रह, जल्दी से बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा। तो सत्य जोड़ आग्रह होता है सत्याग्रह, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका का है 172। अगला प्रश्न है, निरुक्तर का सही संधि विच्छेद क्या हुआ,
तो यहाँ देखिए आपका 172 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आप लोग जानते हैं निरह जोड़ उत्तर, ऑप्शन आपका डी होगा, 172 का डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, 173 नंबर प्रश्न है कि मनह जोड़ भाव, जी हाँ अब बताइए कि इसका सही संधि क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे थे अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है कि जो आपका क्या है, तो इसका बताइए कि मनह जोड़ भाव का सही संधि विच्छेद बताना है, इसका सही संधि क्या होगा, तो मनोभाव हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका क्या है, 174 है, निरह निहिविकार, इसका सही आंसर क्या होगा, निहिविकार का सही आंसर आपको बताना है, 174 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ देखिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको एक बार जोरदार तरीका से वीडियो को लाइक कर दें। देखिए बताइए कि आप लोग मात्र 7 लाइक किए हैं, बढ़िया नहीं कर रहे हैं आप लोग, नहीं सब्सक्राइब भी करते हैं। तो चलिए 174 का डी बताएं, श्रुति प्रिया मधेसिया बताएं डी, और ज्योति कुमारी बी बता रहे हैं, अभि कुमार सानी है वह ए बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं निह जोड़ विकार का सही आंसर क्या होगा, निर्विकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी होगा, जिनका आंसर डी है उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 175 है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद बताना है। सत जोड़ जन होता है, सज जोड़ न होता है, या स जोड़ जन होता है, और ऑप्शन डी है सज जोड़ जन होता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 175 का सबसे पहला कमेंट आया है श्रुति सिन्हा का, जो ए बतलाए हैं, इसका सही आंसर आप लोगों को अभी इंतजार है, जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। प्रिया मधेसिया जो हैं वह बता रहे हैं ए, अभी कुमार जो हैं वो अभी ए बताएं, ब्यूटी कुमारी बी बताए हैं, और भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसको देखिए, सन्मार्ग, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है, जी हाँ सन्मार्ग में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, जल्दी से बताना है सन्मार्ग में कौन सा संधि लगा हुआ है, तो 176 का बताइएगा। चलिए जी आगे हैं, श्री भगवान भगेल, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, बहुत बढ़िया, आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। अब देखिएगा सबका 176 का सी बता रहे हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका, जैसे कि श्री भगवान भगेल हैं उनका ए है, प्रियंका कुमारी सी बताएं, अभि कुमार जो हैं उनका ए है, श्रुति सिन्हा का सी है, तो इसका सही आंसर व्यंजन संधि होगा, ए होगा। चलिए मित्रों बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है, जी हाँ ज्ञानोदय में कौन सा संधि है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सुधीर गौर जो हैं उनका आंसर ये है, बहुत बढ़िया, 177 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि ज्ञानोदय में कौन सा संधि है, जल्दी से बताना है जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए सुधीर गौर है उनका सी है, प्रियंका कुमारी का ए है, अभि कुमार सानी का सी है, और भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग बतलाइए, आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा अपने दोस्तों से के साथ, और शेयर भी कर दें। तो आपको ज्ञानोदय का सही इसमें जो आपका संधि होगा वह स्वर संधि होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, निराधार में कौन सा संधि प्रयुक्त है, आप लोग बताइए, श्रुति सिन्हा का बी आया 177 का, अब 78 का बताइएगा जी। तो इसका सही आंसर बताया, निराधार में कौन सा विसर्ग मतलब कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए में है, बी में है व्यंजन संधि, सी में है स्वर संधि, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, श्री भगवान बघेल का सी था और सुधीर गौर का जो था ए था, तो इसका सही आंसर ए होगा मित्रों, चलिए 178 का ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, जी हाँ बताइए कि निम्न शब्दों में से कौन विसर्ग संधि है, आप लोग देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कि निम्न शब्दों में से
किस में विसर्ग संधि लगा हुआ है? तो चलिए अभि कुमार सी बता रहे हैं, यहाँ 179 नंबर प्रश्न का आंसर डी बताएं, श्रुति सिन्हा। ऑप्शन ए है नरेंद्र, बी है सज्जन और सी है सदैव और डी है अत्यव। जल्दी से बताना है तो इसमें कौन सा विसर्ग संधि से बना है? तो वह बना है ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, बिल्कुल सही है श्रुति सिन्हा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? जी हाँ, याद रखना है कि जो चार ऑप्शन है उसमें जो कौन सा व्यंजन संधि है इसमें बताना है, कौन सा जो शब्द है वह व्यंजन संधि से मिलकर के बना है। ऑप्शन है निराधार, बी है सत्कार, सी है हिमालय और डी है सप्तऋषि। जल्दी से बताना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। तो सत्य जोड़कार ऑप्शन हो जाएगा, सत्य जोड़कार निरंजन व्यंजन संधि में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका आज के लिए इतना ही, प्रश्न ही खत्म हो गया। आप लोग इतना धाकड़ आंसर देते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वह 180 तक ही सीमित था। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, और सभी को आज नए साल यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग को चलिए श्रुति सिन्हा हैप्पी न्यू ईयर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर, अब बढ़िया से पढ़िए, नया साल आया है, नया जज्बे के साथ आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि सुधीर गौर बता रहे हैं। गुड नाइट, बहुत बढ़िया, सभी लोग को शुभ रात्रि। आप लोग मजे से पढ़िए ताकि आपका दिन शुभ हो और एग्जाम भी बढ़िया से जाए। और यहाँ देखिए सब कोई गुड नाइट हैप्पी न्यू ईयर बता रहे हैं, शायद सभी को पता होगा कि आज साल का पहला दिन है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सभी लोग को शुभ रात्रि, आप लोग बढ़िया से खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मगन रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे, जुड़ना न भूलें द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट से। चलिए सभी को शुभ रात्रि।